सर्वेश्वर मंदिर धोरधोरा महादेव बाबा धाम बरौदी का रहस्य जानिए निर्णाथ महतो से। आपका परिचय देंगे। निर्णाथ महतो, घोरघोरा धाम के विषय में जानकारी दीजिए। घोरघोरा धाम के विषय में जानकारी तो एक लड़का है जो काटमकुली का है, वो पहले रांची में रहता था तो यहाँ के बारे में वही जानकारी दिया कि यहाँ तो पहले सदियों से पूजा होता था। तो सावन में जब वो पूजा करने आया ना, लड़का लड़का जैसे 4-5-6 लड़का, तो सावन में पूजा करते समय एक छोटा सा पत्थर है जो चट्टान में रखा हुआ है, अभी भी है, उसमें से जल ढालते ढालते कोई एक लड़का जो कि उसको लात लगा दिए पैर से। लात लगने के बाद वो पत्थर लुढ़क गया, लुढ़कने के बाद वो पत्थर से खून सा हो गया। हाँ, ब्लेड पूरा खून सा आ गया। तब उसके बाद लड़का यहीं पर रहने, सब घर भाग गए। घर भागने के बाद वो बच्चा को पकड़ लिया तो फिर घर के गार्जियन आए, पकड़ के ले गए, लेकिन नहीं रहने लगा। दौड़ के इसी जगह आता और कहने लगता कि भाई यहाँ पर बाबा कह रहे हैं कि हमें 21 फीट के दूरी में हैं और बाहर होना चाहते हैं, तो गाँव वालों को बुलाओ और कहो। तो कहे, ऐसे कहते दिन भर बिताते हुए कहने लगा कि कुछ देरी के बाद कहने लगा कि 6-12 फीट आए, 12 फीट से 6 फीट, 6 फीट से 3 फीट में अस्थगित हो गए। उसके बाद बोले गांव वाला को बुलाओ, अब खुदाई से बाहर होगा। तो गांव वाला 2-3 दिन के बाद आए बहुत रिक्वेस्ट करने के, कहने उसका एक सिंगल लड़का है, पागल हो गया होगा, इस तरह का कहने लगा। तो बहुत अच्छी कहने से बड़ा बड़ा आदमी जो समझदार हैं उन सब बोले कि भाई चलो एक ही लड़का है उनका, तो हो सकता है पागल है या कुछ नहीं, हम लोग तो जानते हैं सदियों से देवता हैं, सदियों से हैं। तो वह आए, कोड़ी कुदाल लेके आके खुदाई करना शुरू किए। जब खुदाई शुरू किए तो उसमें से उनको सर दर्द करने लगा। जब सर दर्द होने लगा तो बोला कि भाई आप लोग बाबा को चोट लगा दिए। तो फिर गांव वाला खिसिया गए, खिसियाने के बाद में वो बोला कि भाई नहीं खोदिए, ऐसी करिए। तब सब उठ के जब चलने लगे ना, तब उस समय तो वो लड़का जो बैठा था उस जगह से दौड़ के आया जिस जगह की एक जटा बाबा है, वहाँ पर 3 मुक्का चलाए। 3 मुक्का चलाने के बाद उस जगह मिट्टी थोड़ा भूरा सा हो गया। उसके बाद खुद अपने हाथ से खचोड़ना शुरू किए। जब खचोड़ना शुरू किए तो उसमें से कोई मदद करने कहे, जैसे उसके साथ में और लड़का थे, कहे ठीक है अच्छा हम भी साथ हैं, तो जैसे दोस्त यार होता है इस तरह का खचोड़ना लगे। तो उसी तरह होते होते उस जगह जितना आदमी जाते थे वो सबको सवार हो जाते थे, बाबा उनको मदद के लिए रख लेते थे, समझिए। तब उसके बाद खोदना शुरू किए तो गांव से और भी आदमी आए। तो खुदाई होते 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 समझिए 3 दिन लग गया। 3 दिन के बाद खुदाई हुआ। उसके बाद करीब केवल लकड़ी का सहारा से ही, हाँ लकड़ी, उसमें कोई कुदाल का अंश नहीं लगा, खाली लोहा लंकड़ नहीं लगा। उसके बाद शनिवार के दिन हुआ। उस दिन के बाद वहाँ पर जब गुफा टाइप का जो दिख रहा है वहाँ पर जाके जब होने लगा तो एक इनके पास में इनके साथ में एगो साथी और था, उस साथी वहाँ कैसे दब गया और उसको निकालने बड़ा मुश्किल हो जा है। उसका मम्मी पापा रोने लगे, ये ऐसे खाली तलवा भर दिखने लगा। तो फिर उसको किसी तरह करके उसको निकाला गया विनती करके। तो उसके बाद में देखिए शनिवार के दिन में एक शंख वहाँ से बाहर हुआ। शनिवार फर्स्ट दिन है ना, शनिवार शंख बाहर हुआ। जब उसको सुने गांव वाला आके देखे तो कहे हाँ एक शंख तो है उस तरह के। उसके बाद शनिवार सोमवार को सोमवार, हाँ तो उसके बाद में फिर आदमी का हो गया कि वहाँ से एक ऐसा चीज़ बाहर हुआ, तो आदमी आने लगे, बहुत सारे भीड़ करने लगे। तब सोमवार के दिन में शिवलिंग, हाँ शिवलिंग, और फिर दूसरे को मंगल को 2 या 3 दिन के बाद, हाँ, फिर त्रिशूला डमरू। उसमें पर कठिनाई हुआ, जैसे त्रिशूला कठिनाई में उसमें दूसरे दिन में हुआ, उसको कोई खींच नहीं पा रहा है, फंस गए तो खींचने लगे। तो उसको 3 दिन का उपवास रखा गया नवजुवक को, तब फिर निर्जला उसको, तब कहीं किसी को 3-4 आदमी उसको मिल के खींचते थे, तब किसी तरह खिंचाया। उसमें तांत्रिक लोग भी बहुत सारे आते थे,
तो वहाँ पर पहरा रखा गया कि भाई यहाँ पर कोई ना रहे, तो वहाँ उस गुफा के पास किनारे किनारे बैठ जाते थे। तो वहाँ पर बोले कि एक जो लड़का है बोला कि एक यहाँ चिट्ठी भी घुसने नहीं देना है, इसीलिए यहाँ पर ऐसा तांत्रिक लोग है कि इसको उसका अपना अपना उनको वहीं पे जकड़ के रखे हुए थे कि हम लोग ले जाएंगे। तो बाद में वही एक भेंभा आया, जो गोबर का भेंभा होता है वो आया और उसको भेंग भेंग करने लगा, तो उसको कितना मारते थे नहीं हटता था। एक बार पड़ गया तो उसमें उसको पकड़ के पकड़ना चाहा ना, तो तीनों लड़का को उल्टा दिया। जब उल्टा दिया तो कहा सलभ भेमा ने उसको, तो उसमें जो यहाँ पैंट हो रहा था इससे उस समय उसके हाथ में पेंट लटका हुआ था लड़का के हाथ से, वही पहचान हुआ। तो उसको पेंट वाला उसको गर्दन जो पकड़ा ना तो उसमें पेंट लग गया, तो पेंट लग गया तो उसको पहचान में आया कि फलाना अथी है। तो उसको दौड़ा के दौड़ाए ना, तो एक एक तो शोभा के आदमी थे, दो गो बूढ़ा बूढ़ी, अब हमारे कि जिंदे नहीं कह सकते जिंदे। तो उसको फिर गाड़ी से बैठा के लाए, तो तुम लोग कहा इस तरह का किए, तो सब गलती सलती माने बात को कि हाँ ऐसा तो सोच रहे, अपना सिद्धि के लिए वो सब सोचे थे, इस तरह का हुआ। उसके बाद में त्रिशूल बाहर हुआ, त्रिशूल को अथी किए गए, तब दशहरा की दशहरा में कलश का प्राप्ति हुआ, जो कलश में उसमें है चांदी का सिक्के हैं, चांदी के सब कुछ है, चांदी का कलश है, पत्तल जो थी आम का आम पत्ता है वो भी चांदी का, 27 नारियल भी है, नारियल भी वो भी चांदी के हैं। और जब ऐसे ही तरह करते भीड़ तो यहाँ अंधाधुंध हो गया। अब इसमें से अब देखिए अब ऊपर वाला का लीला, तो फिर छठ में आया, छठ आया उसी टाइम में, वो वहाँ पर है उसका गुफा बना हुआ, वहाँ से एक ओम भी मिला, बस ऐसा ही इतना सामान मिला है। धन्यवाद।